नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। इस उपाय से सिर्फ 5 मिनट में मिलेगा दांतों के दर्द से छुटकारा, तो पीलापन हो जाएगा जड़ से हमेशा के लिए खत्म। दोस्तों, दांत दर्द में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कई बार कुछ गलत खाने से तो कई बार दांतों की ठीक से सफाई न करने या कीड़ा लगने के कारण दांतों में दर्द होने लगता है। दांतों में दर्द का कारण कोई भी हो, लेकिन इसकी पीड़ा हमारे लिए बेहद कष्टकारी बन जाती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दांतों के दर्द, पीलेपन, पायरिया और मजबूती के लिए कुछ बहुत ही आसान से उपचार बता रहे हैं। आप इनको आजमाकर अपने इन सभी दांतों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उनके बारे में। बेकिंग सोडा दांतों को सफ़ेद बनाने का सबसे आसान तरीका है। यह दांतों से प्लाक को ख़त्म करके दांतों की सफ़ेदी और चमक बनाए रखता है। हर रोज ब्रश करते समय अपने पेस्ट में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और ब्रश करें, दांतों की सफ़ेदी लौट आएगी। 1 कप में थोड़ा सा पानी लेकर उसका कुल्ला करें। संतरे के छिलके से रोज़ दांतों की सफाई करने से कुछ ही दिनों में पीले दांत चमकने लगते हैं। रोज़ रात को सोते समय संतरे के छिलके को दांतों से रगड़ें। संतरे के छिलकों में विटामिन सी और कैल्शियम के साथ साथ बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो दांतों की मजबूती और चमक बनाए रखते हैं। नींबू के प्राकृतिक ब्लीचिंग के गुण दांतों पर भी काम करते हैं। पीले दांतों के लिए नींबू के छिलके को दांतों पर रगड़ा जा सकता है या नींबू के पानी से गरारे भी किए जा सकते हैं। नींबू के साथ नमक मिलाकर दांतों की मसाज करने से 2 हफ्ते तक रोजाना अगर इस प्रक्रिया को दोहराएं तो दांत चमकने लगेंगे। नमक को पहले से ही दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दांतों के खोए मिनरल लौटाता है जिससे दांतों का सफ़ेद रंग बना रहता है। रोजाना सुबह टूथपेस्ट की जगह नमक को दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नमक को चारकोल में मिलाकर भी दांतों की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। दूध में कैल्शियम होता है जो दांतों को मजबूत बनाता है, इसलिए ज़्यादा दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करें जो आपके दांतों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। चाय और कॉफ़ी की मात्रा कम करें। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन न करें। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। इसमें मोलिक एसिड मौजूद होता है जो दांतों को सब साफ बनाए रखता है। यह मुंह के अंदर सलाइवा के प्रोडक्शन को बढ़ाकर दांतों को सफ़ेद बनाए रखता है। दांतों के रोग से बचने के लिए तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करें। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं जो हमारे दांतों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। दांतों के लिए सोडियम और क्लोराइड दोनों की आवश्यकता होती है। नमक में ये दोनों गुण पाए जाते हैं जो दांतों का पीलापन कम करने में बहुत अधिक लाभदायक है। सरसों के तेल में से भी आप अपने दांतों को चमका सकते हैं। 1 चुटकी नमक में 3 से 4 बूंद सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर रखें जिससे आपके दांत चमकने लगते हैं। नीम की दातुन दांतों को साफ करने में अधिक उपयोगी है। रोजाना नीम की दातुन से अपने दांतों को साफ करें। सरसों तेल में हल्दी पाउडर मिलाकर दांतों पर रगड़ें, आपके दांत चमकने लगेंगे। दांतों के दर्द में लौंग दांतों के सभी बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ऐसे में लौंग को दांतों के दर्द के जगह पर रखना चाहिए और कुछ ही देर में आपको दर्द से निजात मिल जाएगी। लेकिन इसमें दर्द कम होने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसलिए इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। नींबू के छिलकों पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दांत एवं मसूड़ों पर लगाने से दांत सफ़ेद एवं चमकदार बनते हैं और मसूड़े मजबूत होते हैं। हर प्रकार के जीवाणुओं से रोगों का बचाव होता है। तो दोस्तों, आप भी इन नुस्खों का इस्तेमाल करके अपने दांतों की सभी प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।
इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं और आपको सुखमय बनाने के लिए टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें चैनल के सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है आप उस पर क्लिक करके भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। इससे कि क्या होगा कि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।